कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू f ऑफ x. हमने देखा था x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जबकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल. x इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जबकि y जो है ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि फंक्शन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कोई ग्राफ ले लीजिए आप. सबसे पहले तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए. जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहे होते हैं. यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूँ, फ्यूचर में शायद हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक दफा रिवाइज कर लेंगे. हमारे पास एक्स वाई में चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको प्लस प्लस वैल्यू दी जाएगी. उसको प्लस वैल्यू दी जाएगी. एक्स और वाई दोनों वैल्यूज प्लस दी जाएंगी. यानी कि हमने कोई भी अगर एक्स वाई लिखना होगा तो ये दोनों प्लस वैल्यूज होंगी. या आप इसको जैसे कि प्लस वन प्लस टू ऐसे आप ये वैल्यू दे सकते हैं. प्लस वन का मतलब ये होगा कि हमें एक्स एक्सिस में वन यूनिट जाना होगा, और प्लस टू का मतलब होगा कि हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस में टू यूनिट्स तक जाना होगा. तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी प्लस वन प्लस टू. इसी तरह से जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है. नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा. मिसाल के तौर पे एक्स अगर माइनस वन है और ये हमारे पास टू वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे माइनस वन और टू. यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई हमारे पास पॉजिटिव है. और हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है. और हमने नेगेटिव x और नेगेटिव y को यहाँ पर देखना होगा. मिसाल के तौर पे अगर हम x माइनस वन ले लें और y माइनस वन ले लें, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट हमारे पास माइनस वन बन रहा होगा. माइनस वन ये पॉइंट हमारे पास बन रहा होगा. इसी तरह से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस है और नेगेटिव y एक्सिस है, तो यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू होगी. जो भी नंबर आप यहाँ पर लेंगे x एक्सिस पॉजिटिव होगा उसके लिए, और y हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी. तो अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि x अगर हमारे पास 1 है और y भी माइनस वन, ये माइनस वन है और ये 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे 1
माइनस वन, यानी एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में तमाम वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो ये हमने रिव्यू कर लिया, रिफ्रेश कर लिया क्वाड्रेंट्स को, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि अगर कोई वॉच है, आपको पता है कि वॉच किस तरह से जाती है, जो कि क्लॉकवाइज, जो कि क्लॉक होता है क्लॉकवाइज। और यहाँ पर अगर हम इस क्लॉक के ऑपोजिट जाएंगे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये इसलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट डिफाइन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ताकि तमाम मैथमेटिशियन एक ही रूल के मुताबिक काम कर रहे होंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि फर्स्ट कोई यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा होगा और इसका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना है कि जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहे होते हैं। अब ग्राफिकली हम कैसे शो करेंगे किसी भी फंक्शन को, यानी कि अगर हमने शो करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम पर्टिकुलर फंक्शन नहीं ले रहे हैं, हम कोई एक रेंडम फंक्शन ले रहे हैं। हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम क्या करेंगे कि पहले एक कोई रेंडम ग्राफ हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये कोई रेंडम ग्राफ है, कोई सी तीन वैल्यूज अगर हम ले लें। ये हमारे पास वैल्यू है x1, ये x1 है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये x2 है, और थर्ड वैल्यू कोई भी हमारे पास ये x3 है। ये जो x एक्सिस है ये डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और x1, x2, x3 ये हमने डोमेन से पॉइंट्स लिए हैं। इस x1 के लिए, इस x1 के लिए जब आप हाइट पे जाएंगे तो ये जो हाइट है डॉटेड यहाँ पर, ब्रोकन, हमने ब्रोकन लाइन यहाँ पर शो की है, ये हाइट कहलाती है एफ ऑफ एक्स वन, और इस ग्राफ पे ये पॉइंट होगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। इसी तरह से एक्स टू के लिए हम इसको हाइट पर लेकर जाएंगे, फंक्शन में पुट करेंगे ये वैल्यू तो हमें हाइट मिल रही होगी। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ब्रोकन लाइन, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स टू, और ये पॉइंट बन रहा होगा एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स थ्री की अगर हम बात करें तो एक्स थ्री के लिए भी इसी तरह से आप ग्राफ शो कर सकते हैं, ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स थ्री, इसकी कंप्लीट हाइट होगी। ये कंप्लीट हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये इस कंप्लीट हाइट की। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा x3 f ऑफ x3। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए तो उसके उसके लिए उसके ऊपर आप पॉइंट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू x स्क्वायर, अगर हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर एक ग्राफ है, तो या फ्यूचर में देखेंगे कि इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे और उन टेबल से हमें ये ग्राफ मिल रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ले लें तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स वन है, ये हमारे पास एक्स टू है, और ये थर्ड पॉइंट हमारे पास एक्स थ्री है। तो यहाँ से ये हमें x1 f of x1 मिलेगा,
यहाँ से हमें x2 f of x2 मिलेगा और यहाँ से हमें x3 f of x3 हमें मिल रहा होगा। तो ये किसी भी फिनोमेना की रिप्रेजेंटेशन है y is equal to x square। तो ग्राफिकली हम इस तरह से किसी भी फंक्शन को देखते हैं। हमने इसको एनालिटिकली लिखा है, ये y is equal to x square एनालिटिकली है और यहाँ पर जो ग्राफ शो किया गया है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने जो ग्राफ बनाया है ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मिसाल के तौर पे x एक्सिस पे हमारे पास टू पॉइंट्स हैं ए और बी। ए और बी टू पॉइंट्स हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पर एक ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ है हमारे पास। अब इसके लिए डोमेन हमारे पास क्या है? अगर मैं डोमेन को यहाँ पर लिखना चाहूँ तो हमारे पास डोमेन यहाँ पर होगी, ये डोमेन कहलाएगी, ये कंप्लीट हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन है, इसको हम कहते हैं डोमेन। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज हमारे पास होगी इसकी कम से कम वैल्यू। कम से कम वैल्यू इसकी क्या है हमारे पास? ये इसकी कम से कम वैल्यू है और ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसकी रेंज कहलाएगी, ये हमारे पास इसके लिए रेंज कहलाएगी। तो अगर ये इसकी कम से कम वैल्यू c हम ले लें y में और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू d ले लें, तो ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास रेंज कहलाएगी, डोमेन एंड रेंज। इस तरह से आप डोमेन और रेंज को देख रहे हो, यहाँ से कोई भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं और वहाँ से आप ग्राफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन हमारे पास क्या है? इस फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन है ए टू बी, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। इसी तरह से जो रेंज है, हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास है सी से डी तक, ये हमारे पास रेंज है, ये भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। इसको मज़ीद आप एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करें। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और इसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं ज़ीरो से 2π तक। हम कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? ये इसकी एनालिटिकल फॉर्म है, इसको जब हम प्लॉट करेंगे, पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस देखना होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने ज़ीरो से शुरू करनी है वैल्यू, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और 2π का मतलब होगा कि ये 2π है। यहाँ पर जो पाई होगा ये होगा 3.1416, तो जब इसे 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6 के करीब ये वैल्यू आ रही होगी, अप्रॉक्सीमेटली 6 point something वैल्यू ये आ रही होगी। तो हम इसे 2π यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हम y की वैल्यू, पहले हम x लिख लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और फंक्शन यहाँ पर राइट साइड पे लिखेंगे। जब x 0 है
हम y की वैल्यू निकालेंगे साइन ऑफ जीरो, ये हमारे पास जीरो होगा। फिर x की वैल्यू हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर पाई बाय टू है तो साइन पाई बाय टू, आप रेडियन में कैलकुलेटर रखेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1 आ रहा होगा। इसी तरह से जब पाई हम रखेंगे तो हमारे पास y आ रहा होगा साइन पाई, और ये वैल्यू 0 आ रही होगी। इसी तरह से 3 पाई बाय 2 अगर हम देखें, या मैं देख लूँ कि इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, बिल्कुल सही है, ये 270 ही बनती है, 3 पाई बाय 2 लिखते हैं हम इसको, तो y हमारे पास आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और y की वैल्यू साइन 2 पाई दोबारा से 0 आ जाएगी। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, 0 ये अगर पाई बाय टू है, ये अगर पाई बाय टू है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 है, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो वो कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा होगा, ऐसे हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू साइन x। इसके लिए डोमेन हम देख लेते हैं। डोमेन डोमेन हमें, क्योंकि पहले से ही डिफाइन था कि इसके लिए जो डोमेन है वो 0 से 2 पाई हम ये वैल्यू ले रहे होंगे, और रेंज रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज के लिए हमारे पास जो वैल्यू बेसिकली यहाँ साइन 3 पाई बाय 2 पे हमारा आंसर -1 आ रहा होगा, यहाँ ये हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, साइन 3 पाई बाय 2 पे ये आंसर हमारे पास -1 आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। तो पाई बाय टू इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, तो ये हमारे पास 1 पे मैक्सिमम जा रहा है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है, ये -1 यहाँ पर आ रहा है। तो हम रेस कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे तरीके से लिख सकें। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली -1 बन रही है। तो इसके लिए जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास है 0 से 2 पाई, और इसकी रेंज क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं जो कि है -1, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये इसकी डोमेन और रेंज आएगा। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो हमने लिखा है, जो कि टेबल हमने बनाया है, इसको आप कहते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। इस केस में y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो हमने जो कवर कर लिए हैं रिप्रेजेंटेशन, एक हमने ग्राफिकल एनालिटिकल पहले है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये एनालिटिकल है। नंबर टू हमने कवर कर लिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने कवर कर लिया है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।